सारे स्वर शुद्ध होते हैं, लेकिन नी जो होता है वो शुद्ध और कोमल दोनों प्रयोग किया जाता है। शुद्ध नी और कोमल नी की आपको पहचान बहुत जरूरी है। कोमल नी जो ऊपर वाला सा है उसके जस्ट नीचे शुद्ध नी होता है और उसके बाद आता है कोमल नी। जैसे ये शुद्ध नी हो गया और इसके बाद जो आता है वो है कोमल नी। ताके नी शुद्ध नी के बाद यानी शुद्ध ध जो है शुद्ध ध के बिल्कुल बाद कोमल नी आता है। तो वापस कैसे आना है? ता कोमल नी ध प म ग बाकी सारे स्वर इसमें शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। सिर्फ नी शुद्ध और कोमल दोनों प्रयोग किया जाता है। नी ता रे मा पा नी ता नी धा पा मा गा रे मा। ठीक है, फिर से एक बार देखिए। आरो आरो नी ता रे मा पा नी ता नी कोमल नी धा मा मा गा रे मा। तो शुद्ध नी का प्रयोग हम आरोह में करते हैं जाते समय और कोमल नी का प्रयोग करते हैं आते समय अवरोह में। अब एक बार तबले के साथ मैं इसका आरोह अवरोह आपको बताता हूँ कैसे। देखिए ता रे मा राग देव का